पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण अपनी पार्टी का रलेवा भाजपा के नाल करनगे। दस दिए कि लंदन दे विच उन्हां दी रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन होया तां थोड़े समय बाद जां थोड़े दिनों बाद पंजाब आउणगे और भाजपा के वड्डे आगुआं दे नाल मुलाकात करके एक सिट्टे ते पहुंचिया जाएगा, क्योंकि 2024 दीआं लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र एक झंडे हेठ इकट्ठे होणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा। 2022 दीआं चोणां दी गल करिए तां कैप्टन दे वल्लों अपनी पार्टी बनाई गई, भाजपा दे नाल गठजोड़ कीता गया, नाल उन्हां दे सुखदेव सिंह ढींडसा दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, इन्हां तिन पार्टियां ने इकट्ठे होकर चोण लड़ी। भावें कि कुछ चंगा प्रदर्शन इन्हां दे वल्लों नहीं कीता गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उम्मीदवार सारियां सीटां तो हार गए, वह खुद भी पटियाला सीट नहीं बचा सके। तो हरजीत गरेवाल दे वल्लों भी पिछले दिन ही बयान दिता गया सी कि कैप्टन का उन्हां दी पार्टी नूं कोई फायदा नहीं है गठजोड़ का। तो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पंजाब लोक कांग्रेस का रलेवा भाजपा दे नाल करनगे। लंदन दे विच्चों वापस आउणगे पंजाब तां भाजपा दे वड्डे आगुआं दे नाल विचार चर्चावां होणगियां, एक झंडे हेठ इकट्ठे होणगे, भाव कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा दे नाल रल जाणगे, अपनी पार्टी खत्म कीती जाएगी, कुल मिला के रलेवा भाजपा दे नाल कीता जाएगा। जे 2022 दीआं चोणां दी गल करिए तां कैप्टन ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई सी, खिदो खुंडी उन्हां दा चोण निशान सी। हालांकि उन्हां दे वल्लों कहा गया कि कांग्रेस दे वड्डे लीडर उन्हां दे नाल आउणगे, पर वड्डे लीडर कांग्रेस दे कैप्टन दे नाल जाण दी बजाए भाजपा दे विच चले गए, जिवें फतेह जंग सिंह बाजवा, राणा गुरमीत सोढी, ये चेहरे ने, ये वड्डे चेहरे ने, ये भाजपा दे विच चोणां तों पहलां शामिल होए सी। ज्यों ही 2022 दीआं चोणां लंघदियां ने तां पंजाब कांग्रेस दे होर दिग्गज नेता सुनील जाखड़, डॉक्टर राजकुमार बेरका, बलवीर सिद्धू सने होर कई आगू भाजपा दे विच शामिल हो चुके ने। तां हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सब दीआं निगाहां ने, और भाजपा दे वल्लों सूत्रां दे अनुसार एक खबर आ कि कैप्टन नूं भाजपा कोई वड्डी जिम्मेवारी दे सकदी है इन्हां चोणां दे विच। दस दिए कि जदों 2022 दीआं चोणां सी तां जो हल्के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दित्ते गए सी, खास करके शहरी हल्के, उन्हां दे उम्मीदवार ये कहिंदे सी कि असीं भाजपा दे चोण निशान ते, भाव कि कमल दे फुल ते चोण लड़ांगे, क्योंकि खिदो खुंडी किसे नूं नहीं पता, नवीं पार्टी आ, नवां चोण निशाना। और कैप्टन दे उम्मीदवार खुद ये कहिंदे नज़र आए सी कि सानूं भाजपा दे चोण निशान ते लड़ाया जावे। कुल मिला के 2022 दे विच करारी हार हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह ना तां खुद जित्ते, ना ही उन्हां दा कोई उम्मीदवार, सिर्फ भाजपा दे उम्मीदवार ही जित्ते सी, ना ही सुखदेव सिंह ढींडसा दी पार्टी दा कोई उम्मीदवार चंगा प्रदर्शन कर पाया सी। तां हुण 2024 दीआं लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र ये रलेवा कीता जा रिहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यों ही पंजाब आउणगे उन्हां दीआं भाजपा दे वड्डे आगुआं दे नाल मुलाकातां होणगियां और एक खास सिट्टे ते पहुंचिया जाएगा। दस दिए कि पिछले साल सितंबर विच कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अचानक मुख्यमंत्री दी कुर्सी तो हटा दिता सी। कैप्टन ने इस नूं बेइज्जती करार दिंदिआं कांग्रेस छड्ड दित्ती। हालांकि कैप्टन नूं हटाउण तों बाद विधानसभा दीआं चोणां दे विच कांग्रेस नूं करारी हार मिली, जिस नवजोत सिंह सिद्धू दे दबाव हेठ कैप्टन उत्ते कार्रवाई हुई, वह भी चोण हार गए। कैप्टन तों बाद मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी भी दो सीटां तों चोण हार गए। 2017 विच 77 सीटां वाली कांग्रेस 18 सीटां ते सिमट के रह गई। आम आदमी पार्टी दे नवें उम्मीदवार सामने कई दिग्गज कांग्रसी ढेर हो गए। तां कुल मिला के कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यों ही पंजाब आउणगे तां चर्चावां ने कि भाजपा दे नाल उन्हां दा रलेवा होवेगा। निशाना 2024 लोक सभा चोणां, इन्हां चोणां दे विच भाजपा किस तरां दा प्रदर्शन करेगी, ये तां आउण वाला समा ही दसेगा। पर अंदर खाते 2024 दीआं लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र सारियां ही सियासी पार्टियां ने अंदर खाते आपो अपनियां गतिविधियां वधा दित्तियां ने। कैप्टन पंजाब आके की ऐलान करनगे, ये तां आउण वाला समा ही दसेगा।